जी सुनते हो, जागोगे भी? अरे दिन निकल आया है, उठो। अरे क्या हो गया बिजली, क्यों इतना परेशान कर रही हो? अरे जाओ ना, जाकर सब्जियां ले आओ और मसाले वगैरह सब ले आओ, बाजार नहीं लाओगे। अरे क्या कहना चाहती हो, उतना सारा सामान जो मैं लेकर आया था सब खत्म हो गया। हाँ वो सब खत्म हो गया है, लाओगे तो मैं अच्छे से खाना बना दूंगी। अरे बिजली, 5 दिनों का राशन था, तुमने 1 दिन में खत्म कर दिया। हाँ बस 1 दिन का ही तो था। ओहो चलो कोई नहीं, दो मुझे थैला, मैं लेकर आता हूँ। अरे शादी जब से हुई है सोचा था 1 दिन बैठकर बड़ी मछली खाऊंगा, आज मैं ये बड़ी मछली ले जाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बिजली भी खुश हो जाएगी। अब भाई मंगरू, ये बड़ी वाली मछली कैसे दिए? 200 रुपए केजी है भैया, अब बोलो तो तौलूं। हाँ हाँ तौल दे। क्या बात है भैया, आज एकदम बड़ी वाली मछली चलेगी है, लगता है भौजाई बहुत खुश है। हाँ भाई हाँ, जरा माप दे कितना हुआ ये। ये पूरा 6 केजी है भैया। हाँ हाँ चलो इसे दे दो। 6 केजी के 1200 रुपए हुए। अरे भागा नहीं जा रहा हूँ, इतना भी कमजोर नहीं हूँ, पैसे दे सकता हूँ। अरे बड़े दिनों से चाहत थी, शादी हुई थी तब से सोचा था 1 दिन बड़ी मछली लाऊंगा और अपनी पत्नी को बोलूंगा बनाने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, इससे कम से कम हमारी दुकानदारी तो चल पड़ेगी, ऐसे खाब 2-4 और देखा करो। हाँ हाँ तू तो ऐसा कहेगा ही, चल अब ये मछली दे मुझे। बिजली, ओ बिजली बाहर आओ, देखो आज जो मैं राशन लाया हूँ, देखकर तुम खुश हो जाओगी। अरे ये तो तुमने जमींदारों की तरह खरीदा है, वाह वाह इतना सारा, इतनी बड़ी मछली, वाह आज तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, मैं भी खाऊंगा। बिजली मैं खेतों पर जा रहा हूँ, दोपहर में आऊंगा, तुम इस मछली को बना कर रखना। हाँ हाँ एकदम बना कर रखूंगी एकदम। अरे बाप रे, अब तो बुआई का समय आएगा, सबसे पहले इस जंगल को साफ करना होगा, वरना देखो लगभग सबने अपने अपने खेत साफ कर लिए हैं, एक मैं ही पीछे रह गया हूँ। और भैया कालू क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बैठकर यहाँ गोल गप्पे खा रहा हूँ। काहे मजाक कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर ये घास छील रहे हो। अरे जब देख रहा है तो क्या पूछ रहा है, तुझसे क्या छिपा है? हाँ यहाँ मैंने अभी तक अपने खेत की सफाई नहीं की है, उसी को करने में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे जैसी बीबी सबको मिले तो सब ऐसे ही खुशहाल रहते हैं और काम में मन भी लगता है। अच्छा ऐसी कौन सी खासियत है मेरी बीवी में? अरे सुना है तुम्हें बड़ा अच्छा अच्छा पकवान बना कर खिलाती है। और मेरी जो जेब ढीली होती है, हाँ 1 दिन में 4 सब्जियाँ 5 सब्जियाँ हाँ तरह तरह के पकवान तो मिल जाते हैं, लेकिन मेरा जेब ढीला हो जाता है, कभी उसके विषय में भी सोच लिया करो। अरे वैसी बात नहीं है, मैं तो जानता हूँ तुम बेकार में ये सब बातें मत बोलो।
अच्छा चलो भाई, अपने रास्ते चलो, मुझे अपना काम करने दो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ हाँ जा रहा हूँ, कौन यहाँ तुमसे गपियाने के लिए बैठूंगा क्या? अब जाता हूँ घर, जाकर खाऊंगा, बड़ी मछली बनाई होगी, बिजली ने मजा आ जाएगा। बिजली, ओ बिजली, दे दो भाई खाने को, आहा मछली का स्वाद, भेजो भेजो जल्दी लाओ। अब बिजली, ये क्या है? अरे क्या है, खाना है। ये तुमने इतना सारा बनाया है? अरे कहाँ ज्यादा बनाया है, एक सूखा भाजा हुआ मछली है, एक रस वाली मछली है, एक दूसरी रस वाली मछली है, एक मसालेदार मछली है, थोड़ी सब्जियाँ बना रखी है, दाल बनाया है, चावल बनाया है। अरे बाप रे, तुम्हें मैं कोई जमींदार लगता हूँ? हाँ तुम्हें क्या लगता है, मैं कोई जादू की छड़ी हिलाता हूँ और राशन आ जाता है, ऐसा लगता है क्या? अब मुझे सड़क पे लाओगी क्या तुम? हाँ तुम्हारा दिमाग माग सही है, इतना सारा, अरे मैंने राशन लाया था 7 दिन का, आज जब मछली थी तो तुम सिर्फ एक मछली बनाती, मछली के 4 प्रकार बना दिए, उसमें मसाले खर्च हुए, तेल खर्च हुआ, वो अलग। तुम तो, मैंने इतने अच्छे से खाना बनाया फिर भी मुझे ही दोष दे रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। अच्छा, अरे मेरे तो भाग फूट गए हैं, कौन से समय में मैंने तुझसे ब्याह कर लिया, तू अपने बाप के घर में ही ठीक थी। हाँ मेरे कलेजे को ठंडक मिलती, खा जाओगी क्या मुझे? तुम ऐसे कहोगे, मैं जा रही हूँ, मैं अब भी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अरे जाओ, कब जा रही हो, अब भी जाओ। जा रही हूँ, जा रही हूँ। अरे ये तो मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब क्या करूँ, ससुराल जाकर ले आऊँ क्या उसे? नहीं नहीं छोड़ देता हूँ, अब अभी ले आऊंगा ना तो इसका ये भूत नहीं उतरेगा, मेरा राशन पूरा बर्बाद कर दिया, कहाँ से लाऊंगा पैसे, कुछ नहीं सोचती है ये। अभी भी कल का खाना बचा होगा, गरम कर लेता हूँ, उसे ही खा लूंगा। रे, कल मुहा जो सुना मैंने वो सही है क्या? अरे क्या सुन लिया मौसी, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? अरे रे, तुझे तो ये भी सब पता नहीं, दोपहर हो गई है। क्या बात है मौसी, साफ साफ बोलो मौसी, मेरा जी जला हुआ है, और मत जलाओ। अरे कल मुहे, सुना तेरी बीवी रोते रोते घर छोड़ कर गई है? एकदम सही सुना मौसी, एकदम सही सुना, और क्या सुना मौसी? अरे तू ऐसे क्यों बातें कर रहा है? नहीं मौसी, बताओ ना मौसी, और किसी की चुगली बताओ, तुम तो चुगलखोर हो ही। अरे कलमोहा, क्या हो गया तुझे, तू तो कभी ऐसे बातें नहीं करता था। अरे मौसी समझो, दिमाग जब खराब हो तो बीच में नहीं आना चाहिए, जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जा रही हूँ, जा रही हूँ। अरे अब तो सब खत्म हो चुका है, जो बचा है वो खाने लायक नहीं है, क्या करूं, चला जाता हूँ ढाबा में, वहीं खा लूंगा। ए भाई वैरो, क्या है तेरे पास सबसे अच्छा? अरे कालू भैया, हाँ हाँ आओ आओ, आज सुना है भौजाई चली गई है, अरे सबसे अच्छा यहाँ बनता है मछली और भात।
खाओगे तो बोलो। हाँ हाँ भाई, एक प्लेट लगा दो। आथू, अरे क्या है ये, क्या बनाया है भैरो? हाँ, अरे तुम लोग पंछियों कैसे खा लेते हो ये खाना, कितना खराब लग रहा है। अरे क्या करेंगे भाई, यहाँ कोई ढाबा दूसरा है नहीं, जो ये देता है खा लेते हैं। कई बार खेतों से काम करके आते हैं तो खाना पड़ता है। ये खाना तो बेकार है, मेरी बिजली जो खाना बना उंगलियां चाट जाता हूँ। अब मेरा तो बिजली के बगैर गुजारा नहीं होगा, अब मैं तो जाऊंगा जल्दी ही ले आऊंगा। अरे बिजली क्या हो गया, जमाई बाबू नहीं आए? मैं घर छोड़कर आ गई हूँ बाबा, मैं यही रहूंगी। अरे क्या हुआ बोलेगी तो? मुझे बचपन से अच्छे से खाना बनाने की आदत है और वो मुझसे नाराज हो रहे हैं। अरे इतनी मजाल उस काले कौवे की। मजाल की क्या बात है, ठीक ही तो कह रहा है। गृहिणी का काम होता है थोड़ा पैसे बचाकर चलना, हिसाब किताब से चलना। ये बनाती होगी एक साथ बहुत सारी चीजें, 4 दिन का राशन एक दिन में खत्म कर देती होगी। जमाई बाबू इसीलिए नाराज हो रहे होंगे। ले जाओ इसे, ले जाके पहुंचा दो। अरे बाबा आप कब आए? अरे बस इसे लेकर आया हूँ। क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ लेते हो? अरे नहीं बाबा, मैं तो खुद ही जाने वाला था इसे लाने के लिए। मुझे समझ में आ गया है कि इसे क्या चाहिए और मैं अब वही करूँगा। मैं एक ढाबा खोल रहा हूँ बिजली, तुम्हारा शौक है खाना बनाने का और मेरा शौक है धंधा करने का, तो हमें कम से कम फायदा तो हो जाएगा। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला है। हाँ भाई, ऐसा स्वाद, ये तो एकदम अनूठा स्वाद है, मजा आ गया मजा। हाँ भैया, ये स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब खाना बनाकर खुश हो, जितनी मर्जी उतनी खाना बनाओ और अच्छे से बनाओ, स्वाद वाले बनाओ। हाँ हाँ, अब तो मैं खुश हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाने आते हैं। तुम्हारा ये ढाबा खूब चलेगा, देख लेना। अरे रे कलमुही, इधर बैठी हूँ मैं, मुझे भी दे दे कुछ खाने को। लाई मौसी लाई, ले जाइए मौसी को दे दीजिए। मौसी को सुना है आपने बड़े उल्टे सीधे बातें बोले हैं, उनसे माफी भी मांग लेना। अरे बिजली, अरे गुस्से में आ गई मौसी सामने, जली कटी सुना रही थी, क्या करता, जाता हूँ। अरे रे कलमुहा, अब तो खुश है ना? हाँ मौसी, अब तो बहुत खुश हूँ, अब मुझे परेशानी नहीं होती है। बिजली तो पहले हर रोज मेरे ऊपर बिजलियाँ गिरा देती थी, अब कम से कम उसकी बिजली से मुझे मुनाफा होने लगा है। अब ढाबे में देख रही हो ना, कितने तरह के व्यंजन हैं। हाँ बेटा, देख तो रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, तूने बहुत अच्छा काम किया, घर भी संभल गया, बिजली की आदत भी सुधर गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ मौसी, ये बात तो है, अब मुझे शांति से खेतों में भी काम कर लेता हूँ, बिजली ढाबा भी संभाल लेती है और खाना भी बन जाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है मौसी। एकदम सुखी रह, अच्छे से रह। वाह वाह वाह, कलमुही ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, मजा आ गया। हाँ मौसी, खाना तो अच्छा बनाती है मेरी वाली। पहले तो नाराज होता था, अब नाराज नहीं होता मौसी। हाँ ये तो है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ? अरे गौरी,
तू ससुराल से कब आई? बस माँ अभी आई हूँ। अच्छा आ आ आ मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। और बिटिया तेरा पति नहीं आया, जमाई बाबू कहाँ है? माँ वो तो गए हैं सर एक काम काज के ढूंढने के लिए, हमारा काम काज सब बंद हो गया है माँ, तो मैं ना अब यहीं रहूंगी। अरे ऐसे तो तू मेरी बेटी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू रह यहाँ, लेकिन जमाई बाबू। अरे माँ वो गए हैं बाहर कमाने, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम्हारी माँ के पास वैसे भी बहुत सारे खेत खलियान हैं, और तुम्हारी माँ का कोई बेटा तो है नहीं, तुम तीन बेटियाँ ही हो, तुम तीनों का ही हक है, इसलिए वहीं रहो, इसलिए मैं आ गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, बात भी सही ही कह रहे हैं जमाई बाबू, रहो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये गौरी तो बिल्कुल नहीं बदली, एक नंबर की आलसी, जैसे पहले थी वैसे ही है, ये ऊपर वाले थोड़ी अकल दे देते इसे तो क्या चला जाता तुम्हारा। समझ में मुझे सब आता है, जमाई ने इसीलिए यहाँ बिठा दिया इसे, कोई बात नहीं है, क्या करूँ, अपनी ही बेटी है, सहना पड़ता है। अरे रुको भैया, यहीं पे यहीं पे। अरे तुम दोनों कैसे हो बच्चों, आओ 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 घर में आओ। अरे गौरी देख तेरी छोटी बहन आई है, देख मुन्नी आई है। अरे मुन्नी आओ आओ, दीदी कैसी हो? अरे ठीक हूँ। अब दीदी अब तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो अब यहीं रहूंगी। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है दीदी, तुम कैसे आई? दीदी मैं तो यहाँ छुट्टियों में आई थी, इनको तो काम रहता है, तो इन्होंने कहा चलो छुट्टियों में घर घुमा दूँ, माँ को देख लोगी एक बार। कितना अच्छा है दीदी तुम भी यहाँ हो, मैं तुमसे भी मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। अरे तुम लोग बातें करती रहोगी, चलो घर खाने पीने की चीज़ें बनाती हूँ जल्दी जल्दी। ए गौरी गौरी जरा आओ इधर। हाँ माँ बोलो। अरे हाथ बटा थोड़ा बहुत। माँ तुम भी ना थोड़ा बात करने दो मुझे, दीदी आई है कितनी दूर से, तुम भी मुझे सिर्फ काम में लगाना चाहती हो। अच्छा जा जा जाके बात कर अपनी दीदी से। ये लो बच्चों खाओ, कैसा बना है जमाई बाबू? अच्छा बना है माँ, बहुत अच्छा बना है। क्या कहूँ, मेरे घर में तो मेरी माँ नहीं है, कोई नहीं है, और आपकी बिटिया तो खाना बना नहीं पाती है, इसलिए बाजार का ही खाना पड़ता है, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला माँ, बहुत अच्छा है। अरे देख रही हो, अपनी बहन से कुछ सीखो, आकर बैठ गई है, जानती है बुढ़िया आज है कल नहीं, ऐसे में ये जो संपत्ति है अगर ये टें बोलेगी तो उस पे कब्जा कर लेगी। हाँ कह तो सही रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्या करूं? अरे करना क्या है, तुम भी अभी यहीं रहो, यहाँ से कहीं मत जाओ वरना कुछ नहीं मिलेगा, कितने बड़े बड़े खेत खलियान हैं, कितना सब कुछ है, देखा है ना? हाँ हाँ ठीक कह रहे हो,
कल तुम कहना कि मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए, और अभी ये यहीं रहेगी। ठीक है, कह दूंगा। अरे बिटिया, अब जमाई बाबू जा रहे हैं, तू भी जा रही है? नहीं माँ, जमाई बाबू को अभी काम मिला है बाहर का, तो उन्होंने कहा है कि मैं अभी यहीं रहूँगी, जब काम नज़दीक का मिलेगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। अच्छा, चलो अच्छा है। अरे मुन्नी, कुछ काम घर का कर लिया कर। दीदी क्या कह रही हो, हम दोनों ने कभी कोई काम किया है क्या? माँ तो सारे काम वैसे ही कर लेती है, आज भी देखती नहीं हो? आंगन में झाड़ू लगाना हो या खाना बनाना हो, माँ से स्वादिष्ट खाना क्या कोई बना पाता है? हाँ ये तो तू ठीक कह रही है मुन्नी, बात में दम है तुम्हारे। ए दीदी, चलो ना थोड़ा गांव घूम कर आते हैं, तालाब वगैरह देख कर आते हैं, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगी? अच्छा चलो। हाय रे, ये कैसी लड़कियां हैं, अपने घर गृहस्थी में ध्यान नहीं दे रही हैं और मेरे सीने पे आकर बैठ गई हैं। काम की न खाज की, डेढ़ मन अनाज की। सुना है दोनों दीदी आई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, जाऊंगी सबसे मुलाकात हो जाएगी मेरी। माँ माँ कहाँ हो? अरे बिजली, तू आई है, आजा बिटिया आजा, देख तेरी दोनों बहनें भी आई हुई है। हाँ माँ, मैंने तो वही सुना, सोचा मुलाकात कर लूँ, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, एक ही जगह सब है। अच्छा किया बिटिया। माँ तुम ये झाड़ू छोड़ो, मुझे झाड़ू देने दो। माँ हटो ना, आज मुझे बनाने दो। अरे बिटिया, तू तो अभी अभी आई है, उतरी भी नहीं और झाड़ू पकड़ लिया। अरे माँ तुम ना मुझे करने दो, देखना आज मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। और ये दोनों कहाँ है, इन दोनों को तो नहीं देख रही हूँ। अरे गई होंगी, गांव में घूम रही होंगी, किसी के घर जाके बैठी होंगी, कुछ काम कर रही होंगी। अरे बेटी तू बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी बिटिया है, हमेशा सुखी रहो, अच्छे से रहो, ऊपर वाले की दुआ रहे, सब कुछ रहे। हाँ हाँ, सिर्फ इसी को दुआएं दो, और हमें तो बद्दुआ देती रहती हो तुम। अरे ऐसा क्यों कह रही है, बस क्या कहूँगी माँ, तुम्हें तो सिर्फ अपनी छोटी बेटी ही प्यारी है, आज से नहीं बचपन से हमने देखा है, और कोई नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे रे रे झुमरी, खेतों पे ध्यान नहीं दे रही है क्या, कब करेगी कुड़ाई? खेत ऐसे पड़े हुए हैं, सबकी कुड़ाई हो गई है, तू भी कर ले तो सारे पंछियों के साथ तेरे पौधों और फसल की भी जोगवाली हो जाएगी। और ये तीनों कलमुइयां ये आ गई हैं, तो और तेरे लिए आसान है, सबको लेकर खेत पहुंच जा, दो मिनट में कुड़ाई कर देंगी सब। नारे बाबा ना, अब मेरे तो नाखून खराब हो जाएंगे। हाँ दीदी, मेरे भी नाखून खराब हो जाएंगे। देखा ना अपनी बहनों को,
तू यहाँ कितने दिन रहेगी? तू भी रहेगी क्या? नहीं माँ, मैं तो नहीं रहूँगी। 2 दिन के लिए आई थी, तुमसे मुलाकात हो गई, बहनों से भी मुलाकात हो गई। अब घर जाऊँगी माँ, मुझे अपना संसार भी तो देखना है ना। हाँ बिटिया, अपना संसार अच्छे से देख, इन दोनों की तरह मत सोच, वरना तू भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं माँ, मैं इनकी तरह नहीं सोचती। जा रही हूँ माँ, आऊंगी फिर। हाँ बिटिया जा, अब क्या कर सकते हैं। ओह, इसके लिए तो तुम्हारे आंसू निकल आए, और हम दोनों के लिए कभी कुछ नहीं निकलता है। तुम दोनों पता नहीं कब सुधरोगी। देखो दीदी, ये हम लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे अपने अपने पतियों को छोड़कर। ऐसा करते हैं, ये जो खेत खलियान है बेच देते हैं, इस घर को भी बेच देते हैं, और पैसे आधा आधा कर लेते हैं, और यहाँ से निकल लेंगे। कितने समय तक यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ छोटी, तू तो ठीक कह रही है, मेरे मन में भी यही बात चल रही थी, लेकिन सोचा पता नहीं तू बुरा मान जाएगी। काहे का बुरा मानूंगी दीदी, बस चलो अब। मुखिया जी, हम अपनी खेत और घर बेचना चाहते हैं। अरे तुम झुमरी की बच्ची हो ना? हाँ मुखिया जी। झुमरी भी ऐसा ही चाहती है? अब माँ की तो उम्र हो गई है, अब जो है सो हम ही हैं, तो हम अपने घरों को और खेतों को बेचना चाहते हैं, माँ ना नहीं कहेगी। अरे मुझे क्या दिक्कत है, अगर तुम लोग बेचना चाहते हो तो मुझे खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं खरीद लूंगा। 4 दिन के बाद घर खाली कर देना, खेत और घर एक साथ ही लेने आ जाऊंगा। ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। अरे ये घर और खेत क्यों बेच दिया बेटा? ये तो हमारी संपत्ति है, पूंजी है, इसे बचाए रखना चाहिए था। नहीं माँ, ये किसी काम का नहीं है, हम इस पैसे से शहर में अच्छे से रह सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं किसके पास रहूँगी? तुम मुनि के पास रहोगी? नहीं दीदी, तुम्हारे पास रहेगी। अच्छा ठीक है, पहले बेचने दो, बाद में देखेंगे। चलो ये लो थैले में पैसे, अब ये घर हमारा हुआ, अब यहाँ से निकलो। माँ मैं तो जा रही हूँ, तुम मुन्नी के पास चले जाओ। अरे मुन्नी बेटा, तेरी बैलगाड़ी नहीं आई है? हाँ माँ आ रही है, लेकिन माँ अभी तुम ना कुछ दिन यहीं पे रहो, मैं आऊंगी और फिर ले जाऊंगी। अरे माँ तुम बाहर क्यों हो? माँ ये क्या हुआ? अरे देखो ना, दोनों ने खेत और घर बेच दिए, मुझे सड़क पर ला दिया है, ये मुखिया बास ने खरीद लिया है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारी दोनों बच्चियों ने बेचा है, तुम चाहो तो पैसे दे दो और ले लो, अभी भी कुछ नहीं बीता है, मैं तैयार हूँ तुम्हें वापस करने के लिए, मेरे पैसे दो और अपने खेत और घर लो। ठीक है मैं आपके पैसे दे दूंगा। अच्छा क्या काम करते हो? अरे शहर में मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, उससे मेरी अच्छी खासी कमाई होती है। ठीक है फिर, हमें क्या दिक्कत है। माँ तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रहो, और तुम चाहोगी तो बिजली भी यही रहेगी। अरे नहीं बेटा, तुम लोग अभी अपने काम धंधे पे ध्यान दो, मैं हूँ जब तक शरीर चल रहा है तब तक घर पे ध्यान दूंगी, जब नहीं चलने लगेगा तो तुम लोगों के पास आ जाऊंगी, तुम लोग परेशान मत हो। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा। झुमरी उस घर में अच्छे से रहने लगती है।